हाँ वेखो साड़ा बंदा ये जेड़ा साड़े खेतां दी राखी करूगा। हाँ सलाई है कहते थे जी। अज असी फिर पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो बच्चों वास्ते मैं पिज़्ज़ा बना रही थी तो अज मैं थोड़े इस करके शो कर रही हूँ कि पहले जो मैं पिज़्ज़ा बनाया सी उस विच मैं कलौंजी ऐड करना भुल गई। पिज़्ज़े बेस के उपर कलौंजी ऐड कर दिनी हाँ और क्योंकि कुछ साडे स्पाइसिस है साडे बच्चे नहीं खाते हैं जिमें कि अगर मैं कलौंजी उन्होंने डायरैक्ट शो करूँगी तो उन्होंने कहना नहीं असी नहीं खाते है तो इस करके हूँ कि मैं पिज़्ज़े बेस ऐड करती बच्चों ने कहना पिज़्ज़ा फरोल के देखना सब्जियाँ तुम कोई भी स्पाइस जो बच्चे खवाना चाहते हैं लुको के खवा सकते हो तो मैं इवें ही कर दी हाँ। सो इस करके मैं थोड़े ना शेयर कर रही हाँ कि पिज़्ज़ा की रैसपी ऑलरेडी थोड़े ना शेयर है जिमें सॉस है और सब्जियाँ सब्जियाँ डायरैक्ट बच्चे बहुत घट खाते हैं तो इस करके मैं पिज़्ज़े में ही कोशिश कर दी कि उन्होंने ऐड कर देव चीज़ पिया हुआ है तो चलो बस हम मैं पिज़्ज़ा रेडी कर दी हाँ तो बच्चे खवानी हाँ। हैलो जी सारे साढ़े वालों प्यार भरी सत श्री अकाल रब तुहानू हमेशा हंसते वास्ते चढ़ती कला च रखे तो अज के ब्लॉग में असं थोड़े ना शेयर कर रहे हैं मनराज का दोस्त फिलहाल घर में आया हुआ है तो बच्चे खा रहे पिज़्ज़ा तो असी अज कि बाहर जाने का प्लैन किया कुछ ज़्यादा खास नहीं बट साढ़े लिए वधिया बच्चों लिए खास है थोड़ा तो असी हम खाने लगे खाना बच्चों ने पिज़्ज़ा इंजॉय किया बनाया से तो मैं हम खाने लगी हूँ मूली वाले परौंठे लस्सी खाना खा के फिर मिलते हैं कि अज असी की प्लान किया। लो जी असी पहुँच गए हाँ बच्चे खेड रहे हैं तो जिगर साड़ी हेल्प कर रहे हैं जिगर ने क्यारी गोडती सारी तो क्यारी गोड के असी जोड़े भी बूटिया एक्सट्रा उस सारिया कड़ती हैं तो हूँ ये आ एक टमाटर का बूटा मम्मी हमने लैके आए मम्मी गए हुए थे दुकान पर हाँ ये टमाटर है टमाटर का बूटा लाया तो कुछ मम्मी आ लैके आए हैं खीरियां दे वलां बी लैके आए हैं देखते हैं किवें होणगियां कि असी हुण इह लावांगे तो बाकी जिहड़ा समान असी घरों अपने थोड़े बहुत जिवें बी साडे कोल इंडिया दे पए होए सीगे मंगवाए असी तो कुछ साडे घर जिवें धनिया धुनिया हुंदा पोच बीज के देखांगे कि वेखां किवें दा हुंदा ये हुण की हैगा खीरा हाँ खीरा तो हुण बीजेंगे गिन के पंज बी इधर वेखो एड्डी महंगी पुड़ी लुट मचा रखी गिण के पंज बी विच माड़ी है चल चल ला हूँ बी भी गवाना तो ये उपर ही कर ला बाई चांस डिग पे एक एक बी पाना होंगे लो जी जिगर भी खेती कर लग गया साढ़ा वाकई तो जटता पुत है लो जी पांच बी असी बीजते हैं ना तो पुड़ी जो बीते तो निकल आने का अति नहीं मोए ऑटोमेटिक इन्ना पुदीना उग गया होया पुदीने ने तो बीजन की लोड़ भी नहीं पैंदी पहले ही उगना हनी प्लांट तेरा माइस आ है हुण भिंडियां ते असी बीजन लगे भिंडियां दे बी एक्चुअली पहला असी बीजे सीगे बट ओ प्रॉपर होए छोटे छोटे बूटे होए सी भिंडियां नहीं लगियां सीगियां असी गमले च कीता सीगा हुण असी इत्थे ट्राई कर रहे हां मैं पुछन दे होई गई होए नहीं गई है 10 मिनट अच्छा सोच लो कौन छड़ के आना हां हां है हुण गुवारे दी फलियां ਦੇ ਬੀਜ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲੂਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬੀਜ ਆਪਾਂ ਉਗਾਉਂਗੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮਾ ਨੇ ਆਖਰ ਕਰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੇਲੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰੇਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਘਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੀ ਲਾਲ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀਗੇ ਬੀ ਲਾਲ ਬੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰੇਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੀਜਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਰ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ चलो हुण चुप कर जाओ मैं धनिया क्रश कर लगी ठीक है चुप हो महाराज
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖੁਰ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਸਕਰ ਤੇ ਸਵੈਂਸਕਾ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਵੀਡਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਡੋਈ। चलो हुण मीं पैण लग गया, घर चलिए। चलो तुसी बिलकुल हेल्प नहीं कीती, नलियां तां सांभ लो आपदी, नलियां सांभ लो आपदी, गलत गल है तेरी, खेडी जांदा सी ते फिर हेल्प करनी भी जरूरी सी। पहला मैं हेल्प कीती, बस जिगर यू तो बिल्कुल भी नहीं कीती हैगी। लो जी मम्मी कर लगे इंडिया वाला काम, की उहनूं कहिंदे हुंदे सीगे, की कहिंदे सी उहनूं, जिहड़ा डराउणा बंदा खिलारदे हुंदे सीगे, असीं लपापा ही बनना लगे आ सब, क्रोमैन। हां मैं रखवा जिगर। असी जिहड़ियां भी सब्जियां बीजियां सी ओह ते ओह पुरानी मिट्टी च सीगियां, ते एक्चुअली नवीं मिट्टी उस टाइम अवेलेबल नहीं सी, ते सानू उन्होंने कहा सी कि जदों मिट्टी आई तुहानूं मैसेज कर देंगे, ते उन्हां दा मैसेज आया सी, ते फिर सोचा कि क्यों ना मिट्टी पा ली जाए, क्योंकि ताज़ी मिट्टी दे विच फिर सब्जियां सुब्जियां वधिया हुंदियां ना, इस करके। ते उन्होंने खाद भी सानू दित्ती सी ते मिट्टी भी, ते मिट्टी दे बोरे ज़्यादा भरे नहीं सी, पर फिर भी जिगर मेरी हैल्प कर रहा सी, जिगर नूं शौक सीगा करन दा, वेखन चंगा लग रहा है, चले इंट्रस्ट विखा रहे विच। मनराज तो शरारत ही कर रहा है, इन्हें कोई भी हेल्प नहीं की साड़ी। की कर रहा है, मिट्टी साड़ी चंगी तरह पै गई क्यारियां दे विच, असीं गमले विच भी पाली थोड़ी जी, ते क्यारियां विच भी दो तीन बोरे खिलार ले, ते चलो हुण असीं जाने आ घर नूं। The next day. जी अगले दिन मैं ते जिगर फिर गए सी क्यारियां दे विच, क्योंकि उस दिन सारे जिन्ने भी साडे जिन्हां जिन्हां ने क्यारियां लईयां सी ओह सारे इकट्ठे हो के इत्थे, जिवें साफ सफाई दा करना ते वैसे अपनी अपनी क्यारी दे कोल ही सी, बट इकट्ठे हो के इकट्ठी जी सफाई करदे सी ते बड़ा मज़ा आउंदा सी, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਗਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਗਰ ਕਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਜਮਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਵੇਂਦੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਈ ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ, ਕੀ ਔਖਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਧਨੀਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਧਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਥੇ ਬੀਜਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਗ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਬੀਜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਟਰ ਬੀਜੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਲਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੂਟੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪੈ ਰਹੀ ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਟਰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਖੀਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਟਮਾਟਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਗੰਢੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਗੰਢੇ ਨੂੰ ਭੁੱਕਾ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਛੇਤੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਲਸਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਸਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਪੱਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੜੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਥੇ ਅਤੇ ਸਾਗ ਧਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਾਥੂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਪਈ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਥੂ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਥੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਬੋਕਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਾਥੂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ,
क्यारियां साड़ियां हो गई खाली, तो हम देखते हैं कि दो चार दिन जे तो फुटन लगे सू लगे कि वधिया फुट रही चीज़ा तो असं इन्हें रखांगे, नहीं तो फिर सारा कुछ इन्हों कट के दोबारा गोडी करके तो फिर बीज देंगे मेथे तो धनिया वगैरह। तो देखते हैं फिर ये किवें दा हुंदा। मम्मी इधर कई कह रही जे बाथू हैगा, मम्मी बाथू वढ़ रहे इतने सस बीजी हुई मक्की, मक्की भी साड़ी सोहनी खड़ी है। तो यह सू एक होर क्यारी एक्सट्रा मिल गई सी, तो असं ये भी मेथे तो हलों बीजी है, टमाटर लगे तो आलू बीजे हुए है। खेती तो साड़ी बहुत सोहनी हो रही है। तो इतने असं थोड़े कद्दू दी वलां लाइया, पेठे टाइप कद्दू जो होंगे वो लाए है। वेखन तो एक हैगा छोटा जिहा ड्रामा है, पर रियली दसीए तो सानू बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अपने हाथी उगा के खाने का नज़ारा ही वखरा होंदा। तो असी ये जिहड़ी कॉमन क्यारी इहदे विच भी आलू तो मटर बीजे हुए है। तो इत्थे दे जिवें थोड़े जिहा स्ट्रॉबेरीज वगैरह लगे है, बच्चे तोड़ के अपने हाथी खाते है, तो उस चीज़ का मज़ा ही थोड़ा वखरा होंदा। तो अज दे व्लॉग विच इन्ना ही, मिलते हैं फिर एक नवें व्लॉग विच। तद तक लई सत श्री अकाल, बाय बाय।